नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं लालचंद डीजे भाई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आए हैं यहां पे मेरठ में, मौसी के घर पे हैं जैसा आप लोगों को बताए थे। और आज शाम का अपना ट्रेन है और फिर बैठेंगे संगम एक्सप्रेस में शाम के 6 बजे और चलते हैं आज यहां पे आपको मुजफ्फरनगर जो है मौसी का गाँव और इनके खेत गन्ना लगा हुआ है वहाँ चलेंगे और उसका गन्ना काट के लाएंगे, रस निकलवाएंगे और थोड़ा गुड़ खरीदेंगे। और इधर जो चीज़ें बहुत फेमस है गुड़ और गन्ना के लिए, जो भैंसा रहता है उसकी बुग्गी यहाँ पे चलती है हर घर में जैसा बताया था, तो उस पर बैठ के चलेंगे। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे इनका खेत है और काफ़ी जो है ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एडवेंचर होगा। कैसे काटते हैं, कैसे लाते हैं, सभी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और आज घर भी निकलना है तो पूरा ब्लॉग जो है कल सुबह तक के उसमें ही देखने को मिलेगा। तो गाइस सभी हम लोग चल दिए हैं खेत की तरफ, गन्ना आज दिखाएंगे आपको कैसे काटते, कितना है गन्ना। और खेत में ट्रेन चलेगी, खेत चलेगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। खेत में तो पानी चलता है, ट्रेन चलता। अरे कल बहुत ज्यादा कुछ समोसा देश की चीजें खा लिए इसलिए कुछ हलचल हो गई है, भूख लगी हुई है कुछ इस प्रकार से। आप देख लीजिए ये पल्ली बैठी, ये चल दी अपनी सवारी और सबका 10-10 रुपए लगेगा, ठीक है। सालू के छोट इनका 5-5 रुपया। ये साइड से चल दिए हैं और ये घर जाना है। काफी सुबह सुबह के लिए थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, मौसम ठंडा है और बज चुके हैं लगभग 9:30 है। आइए फटाफट बैठिए, गाड़ी रुकेगी नहीं 2 मिनट से ज्यादा। छोटू और सालू कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो इधर? खेत में जा रही है। हाँ तो ये देखिए अब ये जस्ट गांव से बाहर निकलने वाले हैं, 1/2 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। सभी लोग इंजॉय करते हुए जिग जैक, ये देखिए ढेर सारे कुत्ते, ये हम लोगों की जैसे बैठा हुआ है, जैसे हम बुग्गी बैठे वैसे ये भी बैठा है, लेकिन उसको खींचने वाला कोई नहीं। आ जा हमारे साथ कुछ इस प्रकार से बैठे हैं। आप लोग कभी बुग्गी पे बैठे हो कि नहीं बैठे हो कमेंट में जरूर बताइएगा। और बस 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि कोई इंजन तो है नहीं कि वो फटाफट तेजी से चलेगा। तो चलिए आराम आराम चलते हैं और अब डायरेक्ट खेत पे मिलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये एक बना हुआ है शमशान घाट है न, देखिए किस तरह से VIP करके बनाया गया है। ये ऐसा गाँव में 2 बना हुआ है। आपकी बुग्गी नहीं जुड़ेगी ना? हाँ नहीं, ये आगे वाला हटा के इसमें बनवाना पड़ेगा। हाँ वो निकल जाएगा और टोचन के लिए बनेगा, फिर चलने लगेगी। कह दो हमारा ट्रैक्टर यही है कि जज्जस हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वैसे ही इसमें बढ़ती जा रही संख्या, अभी 2 बुग्गी हो गई है कि नहीं। अब ये निकालेगा धुआं, मतलब दूर पड़ता है हमारा गांव इलाहाबाद नहीं तो यहाँ से गन्ना लदवा के ले जाते एक ट्रक्टर, 4 रुपए किलो गन्ना मिलता, आराम से वहाँ पे गर्मी के दिन में जूस निकालते हैं, क्योंकि यहाँ ये बताइए 12 महीना यहाँ पे गन्ना रहता है ना। हाँ होली तक रहेगा, गर्मी में गन्ना खरीदेंगे तो नहीं मिलेगा, नहीं क्योंकि गर्मी में डिमांड ज्यादा रहता है जो बिजनेस करते हैं ना। अभी सामने ये तो आ गया गाड़ी, हमारी छोटा गाड़ी अब खेत में घुसेगा, इसके यही फायदा है। ये भैया ने ये देख लो कैसे गन्ना लद के जाता है। तो दोस्तों बिजनेस के लिए आ जा से हर एंगल से पूछना चाहिए, वीडियो बनाते हैं तो जानकारी भी थोड़ा लेना चाहिए, ब्लॉग बनाने का मतलब आप लोग हमसे जुड़े हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलना चाहिए बाहरी चीजें, है कि नहीं। तो ये देखिए ये इन्हीं का आम का बगीचा आ चुके हैं और इसमें बौर वो आ गए, फूल आने लगे हैं। तो हमारा सफर अभी पूरा हुआ, लगभग 1/2 घंटा लग गए 2-2.5 किलोमीटर चलने में, और तब तक कुछ गुफ्तगू भी हुआ, कुछ बातें हुई, कुछ जानकारियां ली। अब आइए चलते हैं, गन्ना अपने लिए काटेंगे और रस निकालेंगे, उसको लेके पिराई करके ले चलेंगे प्रयागराज मुजफ्फरनगर से, जो कि 700 किलोमीटर की दूरी पे है, और थोड़ा बहुत यहाँ से गुड़ भी लेकर चलेंगे ताकि हमारे कुछ दोस्त लोग हैं उनको खिलाना यहाँ का गुड़,
और आप लोग को भी यहाँ का गुड़ खाना हो तो बताइएगा, कमेंट में खिलाएंगे। भाई अब आए इतना दूर तो कुछ ना कुछ तो यूनिक चीजें होनी चाहिए। अभी दो तीन गन्ना तोड़ेंगे सामने, देख लीजिए है, और बैठ के आराम से जो है चूसेंगे, मतलब चूहेंगे, हमारे जरा बोलते हैं इधर चूसना बोलते हैं, जैसे खून चूसते हैं मच्छर वैसे हम रस चूसेंगे गन्ने का। ओके तुम लोग अच्छा ये बताइए कितने में पढ़ रहे हो? कितने पढ़ रहे हो? पढ़ाई किस क्लास में कर रहे हो? मतलब फर्स्ट। अच्छा तू? वो तो जाती ही नहीं स्कूल। जावे? कितने में है? एलकेजी में है। एलकेजी। और तुम? फर्स्ट। फर्स्ट में। कितने बजे घर चलना है? 4 बजे। 4 बजे। अच्छा चलो ड्राइवर साहब हो गया खड़ा, चलो ये देखो आप सांस ले रहा है, वाह ये तो जानकार है कैसे निकालना है, सब समझता है। एक मिनट में गाड़ी खाली, इंजन बाहर करो फटाफट, इंजन निकालो, गाड़ी को छोड़ो। अच्छा जैसे इंजन छोड़ दो तो कहीं चला जाएगा? हाँ भाग जाएगा। कहाँ भाग के जाएगा? कोई एक पकड़ ले। हाँ चल चल निकल। मिलेगा नहीं फिर? हाँ। कि मिल जाएगा पड़े फिर। हाँ मतलब यहाँ नहीं रहेगा जहाँ आसपास में, ये बात है। तो देखा भगा दे, अगर कह रहे हैं खोल देंगे इसको छोड़ देंगे तो भाग जाएगा, ये इंजन ही बोलेंगे भैया, क्योंकि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी लगना चाहिए ब्लॉग में, बाकी तो जो है सो है। तो चलिए अब खेतों की तरफ चलते हैं। सुबह दोस्तों अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 बज चुके हैं, और ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को मैं यूनिक यूनिक चीज़ें दिखाता रहूँगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन की घंटी को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट ब्लॉग आप लोगों को मैं दिखाता रहूँ डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे, तो बने रहें ब्लॉग में। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं खेत में, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गन्ना लगा हुआ है, और यहाँ से काटेंगे और ले करके चलेंगे रस निकलवाने के लिए। कहाँ निकलवाओगे रस? कोल्हू में, गांव में। हाँ जहाँ पे वो बोल रहे थे वहीं चलेंगे का। तो चलो भाइयों लोग कोल्हू जो है यहाँ के दिखाएंगे, उसका भी वीडियो शूट करेंगे। तो आइए फटाफट से मौसा जी काटिए गन्ना, हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को अपने साथियों को। ये देखिए गन्ना काटने के इनका औजार दिखा दीजिए एक बार, ये किससे बनवाए हैं टेढ़ा मेढ़ा है, ये तो गर्दन उड़ाने वाला लग रहा है। लड़ाई में इसको लेके जाते हैं क्या झगड़ा में? नहीं ले जाते हैं। अच्छा बढ़िया काटिए एक नंबर का गन्ना। आ जाइए सभी लोग, गन्ना फ्री दिलाएंगे यहाँ से। ये पुटकी है, ये रिया और सालू रोज तो नहीं आते थे, आज हमको देख के आए का यहाँ। सिया सिया है, दूर हो जा गर्दन कट जाएगी। इससे काटने में आसानी रहती है, खटाखट उला दो। कुल्हरी से काटो तो नहीं कटेगा? नहीं। लकड़ी काटने वाली? वाह ये हो गई कटिंग, इसको उठा के बाहर रखिए। ये देखिए ज्यादा ज्यादा 10 सेकंड लगे एक एक गन्ने में, 1 सेकंड है कि नहीं? 10 सेकंड में एक पुटकी जो है कट गई है। इसकी अभी छिलाई होगी, ये सब मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं आप ना? नहीं तो देने के लिए, हमको देने के लिए। तो देख लीजिए दोस्तों अभी हम लोग इतना दूर से आए तो ये हमारे लिए रस निकलवाने के लिए स्पेशल गन्ना काटने आए हैं, नहीं तो आज छुट्टी किए थे, है कि नहीं? आज मील बंद है, मील की छुट्टी है, इसलिए इनकी भी छुट्टी है। लेकिन अब हम लोग इतना दूर से आएंगे, हमको नहीं देंगे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि साल में 1-2 बार तो आते हैं, है कि नहीं? रस पिएंगे, गंडा चूसेंगे, ऐसे छोलते हैं देखो। ऐसे छोला ये जो इस तरह निकल जाता है इसका पत्ती चारा, अच्छा और तुम्हारा इंजन खाएगा, जो इंजन खींच के लाया था अभी, है ना? कितना सीसी का इंजन है वो? ये खाने का एक दिन में
चार गोला खाएगा। और ढाई कितना कुंटल बताए थे ले जाएगा? 25 क्विंटल। 25 क्विंटल गन्ना उठा के ले जाता है। अच्छा तो बताइए, हमारी गाड़ी 3 पहिया 25 क्विंटल नहीं ले जा पाती, 10-12 क्विंटल ले जाती बस। हम इस पर 25 क्विंटल गन्ना बेचते हैं। 25 क्विंटल भर के मिल से लेकर चले जाओ। कितने अभी जो जिस पे बैठ के आए कितने बिक जाएगा? हाथ कट जाएगा यहाँ पे, वे बिक जाएगा 80,000 रूपया। 80,000 का? 80,000 रूपए की कीमत है जो अभी जिस पे बैठ के आए है वो जो बंदा है। अच्छा इतना महंगा? उसकी कीमत है 80,000 रूपया। जो छोटा वाला है 2 साल का वो कितने का बिकेगा? छोटे वाला बिक जाएगा मान के चलो 40,000 रूपए। 40,000 रूपए? अच्छा तो अपने इधर वो कितने का जाएगा ये वाला बड़ा वाला? 45-50। हमारे यहाँ मतलब देखिए उसका यूज तो है नहीं कुछ, सही बात है ना? तुम्हारे यहाँ हर घर में एक मतलब ये है ना हमारे यहाँ। आप कहीं भी पूरे उस साइड में चले जाओगे और जो है भैंसा भैंस है उसकी कीमत है 1,00,000 रूपया। तो गाइस अभी बज चुके हैं 10:40 और काफी घूम चुके हैं चारों तरफ। लगभग आधा घंटा से मैं घूम रहा हूँ, अलग अलग खेतों में गन्ना देखा और 2-3 गन्ना भी खाया और काफी मीठा लगा। और सामने से कुछ इस प्रकार से व्यू है, देख सकते हैं गन्ने का। ये देखिए सेंटर से लगे हुए हैं और बहुत लंबे, हाइट काफी ज्यादा बड़ी बड़ी है, कम से कम नहीं तो होगी 12-13 फुट की लंबाई और सब एक साइज का गन्ना है। और जहां तक नजर जाती है गन्ना ही गन्ना दोस्तों लगे हुए हैं। शायद अपना घर इधर होता तो डेली 2-3 गन्ना, ये तो कहने की बातें हैं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन 1-2 गन्ना तो डेली खाता ही। तो चलो आगे चलते हैं और कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। और गाइस अभी जो गन्ना काटे हैं उसको हम लेके चलेंगे बुग्गी में रख करके, और सामने एक कोल्हू है उधर गांव के पास में, वहां से रस निकलवाएंगे और उसको गांव लेके चलना है। आप लोग को भी टेस्ट करवाएंगे और थोड़ा गुड़ भी यहां का लेके चलना है क्योंकि बहुत फेमस है गुड़। और ये इलाका ही ऐसा है तो यहां से लेके नहीं जाएंगे तो क्या मतलब दोस्तों। यहां का गुड़ जो है 5 किलो मिलेगा 40 रुपये का, तो उसको लेना है हमको और लेके चलना है। तो चलिए, तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा घूमते घूमते लगभग और आधा घंटा हो चुका है। तो एक यहाँ पे ट्यूबवेल आपको दिखाना चाहूँगा जो बहुत यूनिक है और सभी खेतों में ऐसा ज़्यादा तक रहता है। जो बड़े बड़े किसान हैं ये देख सकते हैं इसके अंदर स्टार्टर रख लेते हैं, ये जो छोटा सा घर बना है और ये बाहर ऐसे ही बोरिंग कर देते हैं और उसके बाद ये पानी अपने खेतों में जो ले जाते हैं। और ये देखिए इधर पानी जा रहा है इस समय। तो गन्ना की खेती काफ़ी ज़्यादा है तो बड़े बड़े ट्यूबवेल यहाँ पे नहीं बनाते अपने, जैसे इधर हो गया इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ बड़े बड़े, तो ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं है। देखिए पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है और इसलिए इसको ऐसे करके ये देखिए एक इतना पानी इधर जा रहा है आधा और आधा इधर जा रहा है, तो जितना जहाँ ज़रूरत रहती है उसी हिसाब से भेज देते हैं। देख लीजिए बहुत स्पीड से पानी दे रहा है, बहुत ही शानदार व्यू। आप ये दोस्तों पेड़ इलाहाबाद से हमारे मौसिया लोकीपुर के रहने वाले लेके आए थे, यहाँ पे मंगाए थे कि अमरूद ही इलाहाबाद के कहते हैं, बहुत मीठा अमरूद होता है, तो उसलिए मंगाया गया था पेड़ वहाँ से। लेकिन यहाँ पे फल नहीं लगता है, होता भी है तो छोटा छोटा होता है। और एक पेड़ ये है, कई पेड़ लेके आए थे, छोटे छोटे लेके आए थे, कम से कम 15-15 पेड़ लेके आए थे, सगल लगा दिए थे, पेड़ बड़े हो गए लेकिन अमरूद इसमें नहीं लगता क्योंकि अपने इधर अमरूद जो है बराबर इस समय लगे हुए हैं और 20-25 रुपये 30 रुपये किलो मिल भी रहे हैं। तो ये लोगों को इलाहाबादी अमरूद बहुत पसंद है, लेकिन अब यहाँ नहीं हो रहा है, वातावरण का जो है थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो सकता है। तो आइए चलते हैं अब कुछ सामने का, मैं आपको एक बार व्यू दिखा दूं, ये देख लीजिए।